नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट MIS रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो आज हम पावर BI के बारे में बात करेंगे और पावर BI के एक छोटे से क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने एक डेटा कनेक्ट कर रखा है, डेटा में यहाँ पे नेम है, सिटी है, क्वांटिटी, MRP और मंथ है। डैशबोर्ड पे मुझे यहाँ पे जो रिपोर्ट निकालनी है वो दिल्ली की निकालनी है। तो मुझे यहाँ पे एक दिल्ली का टोटल चाहिए। मैं दिल्ली हमारा मेन है, रिपोर्ट तो सबका निकालना है, बट दिल्ली हमारा मेन है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर मैं मंथ वाइज अगर क्वांटिटी का यहाँ टोटल के लिए मैं यहाँ पे विजुलाइजेशन को तैयार करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए सबका यहाँ पे आता है ओवरऑल। लेकिन मुझे स्पेशली यहाँ पे सेग्रीगेट करना है ऑल और दिल्ली, ऑल और दिल्ली। तो मैं यहाँ पे कार्ड यूज कर सकता हूँ, कार्ड यहाँ पे। तो कार्ड में मैं यहाँ पे व्यू में आता हूँ और एक इस मॉडलिंग, माफ कीजिएगा, मॉडलिंग में आता हूँ और न्यू मेजर्स क्रिएट करता हूँ। न्यू मेजर्स में हम ओवरऑल के लिए यहाँ पे हम देते हैं ऑल इंडिया कर देते हैं, इंडिया। और यहाँ पे हम सम देते हैं, सम, और सम में देते हैं हमारा क्वांटिटी और फिर इसको उठा के हम इस कार्ड पर रख देते हैं। तो यहाँ पे इंडिया का टोटल सेल दिख गया, यहाँ पे इंडिया का टोटल सेल आया। अब मुझे यहाँ पे दिल्ली का टोटल सेल देना है। अब मुझे कि सिर्फ दिल्ली फिक्स है हमारा, तो हमारे डेटा में मुझे सिर्फ दिल्ली का टोटल करना है। तो मुझे मतलब कि सम इफ, जैसे एक्सेल में हम लोग सम इफ का यूज करते हैं, ऐसे यहां पे करना है। कैसे करें? तो हम यहां पे न्यू मेजर्स में आते हैं और यहां पे हम दिल्ली देते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है सम एक्स, सम एक्स, सम एक्स में हमने डेटा को सेलेक्ट कर दिया और डेटा में एक्सप्रेशन में मान लीजिए कि मुझे किसका सम करना है। तो मान लीजिए मुझे सम करना है क्वांटिटी का, यहाँ पे क्वांटिटी को सेलेक्ट कर दिया। तो अगर मैं कार्ड लेता हूँ यहाँ पे, इसमें कोई ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि यहाँ मुझे, फिर यहाँ कुछ ऐसा बोला नहीं गया है कि क्या करना है इसमें। तो अगर मैंने बोला कि क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी का सम करना है, तो यहाँ पे क्वांटिटी सम कर दिया। तो यहाँ पे मुझे डेटा में मुझे फिल्टर करना है कि कंडीशन देना है। तो यहाँ पे मैं फिल्टर फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। फिल्टर फॉर्मूला है, मैं डेटा को लूँगा और यहाँ एक्सप्रेशन दूंगा, क्या नेम, सॉरी सिटी, सिटी है ना, माना सिटी इज इक्वल टू, अब यहां पे आ गया 687। तो सम इफ की तरह यहां पे सम एक्स का फॉर्मूला लगता है, बट सम एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है फिल्टर में। जी हाँ, याद रखिएगा, आप हमेशा फिल्टर में इसका यूज कीजिएगा। फिल्टर में यूज करने से आपका बेनिफिट होगा और सम इफ की तरह यूज करेगा। ऐसे काउंट इफ के लिए काउंट एक्स, मैक्स इफ के लिए मैक्स एफ का यूज आप कर सकते हैं। तो और ही ज़्यादा पावर BI की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरी वेबसाइट iptindia.com पे या फिर यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, मैं यूट्यूब पे इन सारे कोर्सेज के लिए तकरीबन 3500 के आसपास वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो मेरे चैनल के हेडिंग पे क्लिक करके चले जाएं या फिर यूट्यूब के ऊपर सर्च करें iptindia। जी हाँ, iptindia को सर्च करें। मैं सच में बताता हूँ कैसे होगा। आपने YouTube को खोला और मेरा फेमस कीवर्ड है IPT इंडिया। जी हाँ, IPT इंडिया को सर्च करें। जैसे मैं IPT इंडिया को सर्च करूंगा, यहाँ देखिए 3176 वीडियोज अवेलेबल है अभी के टाइम में मेरे इस चैनल के ऊपर, देख सकते हैं। आप चाहो तो मेरी पावर बीआई की क्लास भी ले सकते हो। डेमो क्लास ज्वाइन करने के लिए मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं एंड डेमो क्लास का फॉर्म भर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।